वो रोती रही, वो तड़पती रही, संजय दरिंदगी करता रहा। वैशी दरिंदा शैतान वारदात की रात आरोपी संजय के सर पर दरिंदगी इस कदर हावी थी कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसके हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो सीबीआई के अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। पूछताछ के दौरान माथे पर शिकन तक नहीं, उसे कोई डर नहीं था। वारदात के बारे में बताते हुए ना उसके पसीने छूटे, ना कोई घबराहट, ना कोई बेचैनी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पहले से वो खुद को तैयार करके आया है। साइको एनालिस्ट की टीम को उसकी हरकतें देखने के बाद यकीन हो गया कि संजय एक यौन विकृत मानसिकता का आदमी है। बेशर्मी देखिए, अधिकारियों के सवाल पर संजय कई बार जवाब देते वक्त हंस रहा था। इसे साफ था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर यही साफ होता है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी रहता था। रेड लाइट एरिया में गया। सीबीआई ने संजय सिंह के मोबाइल फोन में मिले हिंसक पॉर्न वीडियो को लेकर सवाल किया। संजय रॉय ने बताया कि वो आए दिन रेड लाइट एरिया जाता था, वारदात के ठीक पहले रेड लाइट एरिया गया था। पूछताछ में संजय रॉय ने कबूला कि उसने वारदात के दिन पॉर्न वीडियो देखे थे। संजय ने वारदात वाली रात पी थी शराब। संजय शराब पीकर अस्पताल में दाखिल हुआ, कई चक्कर लगा, ट्रेनी डॉक्टर को आते जाते देखा। वारदात को अंजाम देने के बाद भी संजय के सर पर हैवानियत इस कदर सवार थी कि उसने उस रात एक और महिला को फोन करके बदतमीजी की। सीबीआई की टीम संजय की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने वाली है। देखना होगा कि सीबीआई की टीम को जिन 25 किरदारों पर शक है वो कौन कौन से हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सरकारी अस्पतालों में धांधली चलती है, करप्शन होता है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई सवाल खड़े हुए। वुमेन सेफ्टी को लेकर उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ रेप और मर्डर, उसने सड़कों पर प्रोटेस्ट जो है वो अक्सर देखने को मिल रहा है। क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर इससे पहले भी कई सवाल खड़े किए गए थे? हमारे पास डॉक्टर कौशिक लहरी मौजूद हैं जो कि वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर आप लोगों के पास भी शिकायत आती थी, वहां पर करप्शन को लेकर, फाइनेंशियल अनियमितताओं को लेकर, इस तरीके की शिकायत आप लोगों के पास आती थी? बिल्कुल आती थी, और 3 साल पहले भी बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ इसका। ये जो आदमी का नाम आप कर रहे हैं, हम डॉक्टर होने के नाते उसका नाम भी होंठ में नहीं लाना चाहते। हाँ, हम अटर करने भी नहीं चाहते। बिल्कुल इतना घिनौना जो आदमी है, तो ये आदमी ने 3 साल पहले, उसका पहले भी, ये इतना इन्फ्लुएंशियल है वहां पे, जो भी है जितना हो सके करप्शन करने के बाद जो स्टूडेंट अनरेस्ट हो रहा था, तो स्टूडेंट अनरेस्ट के ऊपर वो पैदल चले गए थे। वो एक पिता समान होता है।